समाचार में आपका स्वागत है। आज की ताजा खबर, जालसाजों ने एक फार्मासिस्ट से लगभग 16 लाख रुपए की ठगी कर ली। नागपुर में साइबर पुलिस ने ऑनलाइन धोखेबाजों का पता लगाने के लिए एक जांच शुरू की, जिन्होंने एक फार्मासिस्ट से 15,85,000 रुपए की ठगी की थी। पीड़ित नीलेश गोविंद राव जिगतोड़े, जो उज्ज्वल नगर जिंगाबाई टाकली में लाइफ लाइन मेडिकल स्टोर के मालिक हैं, उन्होंने इस साल मार्च में निर्यात व्यवसाय में कदम रखा था। उन्हें सेल नंबर 2289100 1462 से संदेश मिला कि उन्हें भारत में एक सप्लायर चाहिए। बीकेएल बायोफार्मा के जेम्स ब्राउन केन और श्री कृष्णा एंटरप्राइज के वैशाली कुमार का रूप धारण करके उन्होंने निलेश का विश्वास हासिल किया। इसके बाद जालसाजों ने व्हाट्सएप पर फर्जी बिल और रसीदें भेजी और उनसे एक खाते में 15,85,000 रुपए ट्रांसफर करवाए। जिगतोड़े की शिकायत के बाद पुलिस ने भारतीय दंड अधिनियम की धारा 420, 465, 467, 468, 471 और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की 66D के तहत मामला दर्ज किया।